हाँ जी, तुम्हें यहाँ पे ऐसे खड़ा रखने के लिए थोड़ी बोला है, गिलास दो अंडी। बैठ मेरे पास, तुझे देखती रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ सुनूं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और हाँ जी, वेलकम बैक कर दो आप भी। इसकी नींद नहीं उतरती है, ये हर टाइम सोती रहती है, क्योंकि ये कहती है मैं भी एनी की। हाँ तो एनी की तो पूरी तुम वो कर रहे हो कॉपी पूरी तरीके से। एनी मेरी कॉपी कर रही है, मैं करती थी पहले ऐसा, ठीक है। देखो जी, इन माँ बेटी में कॉम्पिटिशन चल रहा है जी, क्या करूं इस गौर कलयुग का। आपने ये प्रीत कहती है कि मैं अपनी बेटी से पीछे क्यों रहूं, जितनी ये सोती है उतनी मैं सोऊंगी। और फिर एनी कहती है मेरी माँ सो रही है तो मैं ही जाग के क्या करूं, मैं भी सो ही जाऊं। ये उल्टा है, एनी सोती है तो मैं सोचती हूँ कि एनी सो रही है तो मैं ही जाग के क्या करूं, मैं भी सो जाती हूँ। अब ये है, पहले तो ये था चलो एनी जिम गए हैं, एनी सो रहे हैं तो मैं भी सो जाती हूँ, पहले ये था, अब एनी है, मेरा कोई वजूद नहीं है गाइस। तो ये थी बकवास करने वाली हमारी कहानी। तो अभी हम जा रहे हैं तिगांव में, घर पे जा रहे हैं हम, और वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे घूमेंगे, मैं तो ऐसे घूमूंगा, मार्केट चला जाऊंगा। प्रीत मम्मी से मम्मी एनी से एनी को खिला लेगी, और खुशी है, खुशी इसको छोड़ती नहीं है। मेरा रोज का आना जाना होगा, क्योंकि जैसे कि आपने पहले व्लॉग देखे हैं, कुछ काम कराना है, एक सपना है, उसको उसकी शुरुआत करनी है, तो उसकी शुरुआत के लिए फिर वो देखना पड़ेगा, तो रोज आना जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं घर पे। लो जो एनी जिस पे गई है वो गई है अपनी बुआ पे। असली शक्ल वाले पे आ गई है एनी। आपके गोदी में रोएगी बुआ जी, मेरी गोदी में। हां अच्छा अच्छा, तेरी गोदी में। मैं उसको बहुत मिस कर रही थी सच में, सच में। आज घर पे क्या है? आज हां हां, हम तो बना रहे हैं आज। अच्छा, मम्मी का बर्थडे ना, इसलिए नहीं आ पाए हम। मम्मी यहाँ पे भाई ऐसे दो दो खड़े हैं, कैमरा लेके। अरे अरे कहाँ रहे दूसरे की ना बनाने की? अरे जब मैं बना रहा हूँ तो एक बना रहा हूँ भाई, इलेक्शन मोदी, मैं दिखाऊंगा मोदी है तो क्या गोदी में ले लेके मोदी है। तो अंश कब आएगा? वहाँ पर रोई रही, अब क्या, या तो जीतनो या तो फ्री वर्कआउट या पेप्सी, या फिर पहलवानी को फिर थोड़ा जोर दिखाना पड़ेगा। ओ भैया अभी बहुत प्यार से बैठे हैं, मेरा राउंड है, गिलास उठा मामा, मैं प्यास मर रहा हूँ। माँ जी बुला लो, अर्जुन आज तू भी आ जा। बेटर है ना, अब वीडियो खत्म कर दे, कर ले तू। लास्ट बारी मेरी, पूरा राउंड को क्लियर, लास्ट में मैं जीता हूँ, तो भैया वीडियो को प्यार दो लास्ट। अरे गोलू जीता, अरे गोलू जीता तीनों बार में, तो सॉरी तीन बार ही हूँ, पर एक बार जीतो, तेरा राउंड खत्म हो गया। तो भाई फर्स्ट मैं हूँ, सेकंड दो मैं कोल्ड ड्रिंक लेगी हूँ, कोल्ड ड्रिंक खत्म, मतलब मेरे हिस्सा में ना आई। वो अजीब ना उठ रही, बोले हाँ जीभ उठ जाएगी, धीरे धीरे उठेगी, हाँ बात बनाएगी पटर पटर। बोलता बेटा बर्फ खाने में रख दे, छोड़ दे।
ए वहां में धर दे बर्फ के वहां में नाच रही मम्मी हां ओली मई लो आंटी भी कह रही है मुंह पे गई है पापा आ गई है बिल्कुल पापा आ गई है आंटी किसी पोती लग रही है तो मेरी सी लग रही ना भी ना तो मैं ही गई है आंटी दे मेरी है ज्यादा तो छोरी भी खदा कर रही है मार रोने लगा है गर्मी के मार आज आज गर्मी महसूस कर रही है फिर वहां एसी में रहे हां आना जाती कही है ना लाइट ना जाना नहीं जाते काम में भाई का इंटरव्यू हो रहा हाँ जी तुम्हें यहाँ पे ऐसे खड़ा रखने के लिए थोड़ी बोला है गिलास दो अरे अरे कहाँ तू हाँ कहाँ अरे वही टाइम तो शुरू हो जा ना पियो मम्मी कह रही बरती होगा ग्रीन है ग्रीन सदा बहार है ना ना बहुत ही हुई आराम करती हो देख वहां तक ये सामान चावल से लेने गए वहीं तक ही गैल गए मेरे वहीं तक अब भोगते भोगते और जा मैं रोना शुरू कर दिया था इन्हीं ने एसी के लिए अब लाइट आई है एसी चल गया आप देखो कितनी खुश एकदम अलग ही खुश है हंसी आ रही है स्मेल दिला यार देखो फोन की तरफ देख रही है ये बताओ वीडियो बन रही है आप बताओ फोन देख रही बेटा बेटा साक्षी हेल्प करवा रहे हो प्रीत की हाँ जी आज प्रीत कर रही है काम आज का प्रीत को भी करती नहीं है अरे मतलब यहाँ पे तो आज मतलब के वहाँ पे जाने के बाद पहली बार कर रहे हो ना इस वाले रसोई में तो क्या बना रहे हो छोले चावल बनाने दो बना रहे छोले बड़ा लग रही तो है बच्चों का मन छोले भटूरे हाँ आज चावल नहीं बना सकते क्योंकि आज है गैस सुनो अभी हम खाना खा रहे हैं तो आप ले आओगे कुछ हाँ अभी जाऊंगा थोड़ी देर में लेने के लिए क्या बर्गर या फिर क्या इस टाइम रात के टाइम पे छोले भटूरे सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलते हैं रेडी वाले नहीं मिलते बढ़िया मिलता आपको भी खाने तो गोलगप्पे खाई मैं गोलू पूछो कौन सी कौन सा गलती है कौन सा वो गोलगप्पे वाला है वो कोई गोलगप्पे वाला बढ़िया मोटरसाइकिल यही है सिटी हंड्रेड मैं जा सकता हूँ उसमें उसकी गियर्स और फिर कहेंगे अनिशा लाइन सिर्फ लोग एक दिन शिवम नया नया लाया सिटी हंड्रेड मोटरसाइकिल है यहाँ से एक दिन नया नया लाया शिवम सिटी हंड्रेड मोटरसाइकिल है और मैंने वाई जोश जैसे बुलेट है उठा मैं एकदम ऐसा होगा और मैंने हल्की सी है वो तो चलो आज सिटी हंड्रेड चलाएंगे ना वो अंदर मार्केट में है या फिर बाहर ही है बाहर ही है तो फिर गाड़ी लेके चला ना पड़ गए गोलगप्पे मैं सोच रहा हूँ मैंने की खाए ना जाएंगे कितने 35 गोलगप्पे ना 5-7-35 हो गए ना 35 गोलगप्पे पर मैं भूल गयो हम तो 1-2-3-4-5-6-7 तो हम ही हो गए 5-5 भी ना आए पानी कैसे लगा अरे मेरी मौत मैंने 3 बार खाया मैं तीसरी बार खा रहा हूँ तीन खाए बस झूठ बोल आपको दे दिया हालत ही खराब है बस तन कितने खाए भाई तो है दो खाए झूठ बोल एने कह रही है तुम्हारी ऐसी पैसी मौत ओ सॉरी 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 बेटा सॉरी सॉरी
गर्दन सीधी करो। चलो जी खाने का टाइम हो गया है आज, और हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। मम्मी के हाथ की चूल्हे की है ना, मम्मी के हाथ की चूल्हे की रोटी और प्रीत के हाथ की छोले चावल बनाने जा रही थी, बट फिर इसको पता था वैसे तो इसने बोला कि नहीं चावल नहीं बनेंगे। बच्चे यहाँ पे सारे पढ़ रहे हैं, ये टीवी देख रहे हैं, यहाँ पे खाना खा रहे हैं, ये पढ़ रही है, ये ड्रामा कर रही है। ओए माँ जी को देखे जा रहे हो? हाँ। माँ जी को देखे जा रहे हो? चलो बस डर नहीं लग रहा तुझे मुझसे? हम दोनों साजी देख लगे अर्जुन की मोदी मम्मी बोट किसे देगी फिर? मैं असली पूछ है तो मैं तो काये बना दू सच्चाई तो। अरे दुनिया में कम से कम 5-5 किलो नाज, 2 किलो तेल, चीनी कुछ तो मिल रहा हो, कुछ भी ना मिल रहा हमना काहे को इतनी गर्मी में हम जाएं परेशान होकर ना भाई मैं नहीं दू। और जो वेट कर रहती हो कोई मत दीजो मतलब जब हर सारी चीज खुद ही कर रहे हैं तो वोट काहे को देनी, मम्मी ने कह रहे जैसे जैसे कहना थे अरे वहा को क्यों करो वो कोई हमारे यहाँ बोरी पटक के जा, मोदी कोई हमारे नाच की बोरी पटक के जावे, ना राहुल पटके ना मोदी पटके, यहाँ तो हमेशा मेहनत से खाया है और मेहनत से ही आगे भी खाते रहेंगे। ना ऐसे बढ़िया रहे, एसी तो सामने लग जाया के बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ सुनूं, बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, परी परी और तो फ्लैश लगी ना फोन की फ्लैश लग गया जा बेटा घर जा रुको मेरी चीज़ लेके कल लाना आप आ जाना कल तुम ही आइयो चल तेरी इच्छा पूरी होगी यही आ गई है भूख खिलाई है तू मनसु ही कह रही यही वजह से हमको दिखा गई तो घर चलते हैं बाकी वीडियो बना दो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं सुबह के साथ। आज सुबह के बज रहे हैं पता कितने? 7 भी नहीं बजे हैं अभी, मतलब 7 का टाइम हो रहा है और ये रेयरली हुआ है, आज मेरे हिसाब से बहुत टाइम बाद हुआ है मैं सुबह 7 बजे उठ गया हूँ बिना किसी मतलब अलार्म वगैरह के। कल ऐसा हुआ कि जैसे हम तिगांव से आए तो ऑलमोस्ट 10:30 का टाइम हो गया था और शरीर थोड़ा पता नहीं हारा हारा सा था, तो मैं प्रीत और एनी भी आते ही सो गए भाई और अब मैं उठ गया हूँ और मैंने सोचा कि जिम चला जाता हूँ आज जल्दी जल्दी, फिर एक दो काम है वो कर लूँगा। तिगांव फिर से जाना है, मम्मी बोल रही थी कि प्रसाद बनाएंगी वो, तो वो खा लेना, तो अभी मैं जिम कर लेता हूँ उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। ये अब चल रही है, सुबह बुलाया था अभी बज रहे हैं 3 ठीक है अब देखो सॉरी फोन गिर जाता एनी को मैंने ऐसी में बैठा दिया था ताकि बेबी को कोई दिक्कत ना हो, है ना एनी? है ना एनी? है ना? चलो माँ जी के पास चल रहे हैं अब, ठीक है ओके बैठ गई है मोटू। हाँ। अच्छा ये क्या गाय के लिए ले लिए क्या? हाँ। ठीक हंस रही है एनी, हंस रही है गर्मी पसीने आ गए। लो 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 छोटी छोटी थी स्टाइल में गुनगुना निकाल ले ले घर पे पहुंच गए अभी थोड़ा सा एसी चल रहा एसी चल रहा ठंडक हो रही बढ़िया, बहुत गर्मी है बाहर बहुत हो रहा है, नीचे निकलने में यहाँ के एक्सप्रेशन चेंज हो गए एकदम वैसी होगी उसका ही। प्रसाद खा लो, खीर आलू की सब्जी
पूड़ी मैंने का एक प्रसाद अम्मी कल गया आसवर्ती रही ना एक या को प्रसाद आज बनाना पड़ेगा दूसरे दिन। अच्छा भाई के प्रसाद यहाँ भी सेम। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ तिगांव में अपने बाल थोड़े से सेट करवाने। देखो बाल कैसे हो रहे। और ये वाली गाड़ी है भाई की, छोटे भाई की, छोटे भाई बड़े भाई दोनों की। और थोड़ा बिल्कुल ही जैसे कहाँ स्कॉर्पियो चलाते हैं। और फिर ये वाली वैसी गाड़ी, हैचबैक बोलते हैं इसको या फिर सेडान, हैचबैक, हाँ हैचबैक टाइप। तो इसको चलाते हैं ना ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे नीचे से बैठ गए हो। मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कितनी नीचे बैठ गया हूँ, क्योंकि स्कॉर्पियो में ऐसा लगता है ना बिल्कुल ही ऊपर ऊपर बैठ के चला रहे हैं, सब कुछ ऊपर से ही दिख रहा है। तो गाड़ी चलाने में बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों अब थोड़े से बाल ये करवा दिए हैं, थोड़े छोटे। अब मैं सही बताऊं, मैं जितनी भी बार जाता हूं ना उसके पास कहता है तो करवा ले इन बालन की रेड करवा ले तू। कह रहा हूं तेरे बाल बढ़िया अच्छे खासे हर चीज में तैने कटवा दिए। ए मैंने बिया गर्मी झेली जा रही है, मैंने ऐसी की तैसी हो जा जिम में ना करी जा। तो अपना जैसे ही सितंबर अक्टूबर लगेगा फिर से बढ़ाने शुरू करूंगा। और अब की बार सोच रहा हूँ कोई तगड़े तरीके से ही बढ़ाऊं, लेकिन हाँ पूरी गर्मी गर्मी अब अक्टूबर तक ऐसे ही रखूंगा। और ऐसा भी ठीक ठाक लगता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ओए चोलू, ओए अच्छा मेरी तरफ नहीं देख, सही है बेटा, सही है अभी सही बेटो। ओए भाई देख ले मेरी तरफ नहीं देख, इसकी बात तो मैं आ गई है। ब्लैकमेलिंग चल रही है। बेचारा भूखा थोड़ी ना मरेगी। एनू इधर देखो, मम्मा की बेइज्जती हो रही है। मम्मा कोई दिक्कत नहीं, आपकी पापा वैसे भी करते ही रहते हैं बेइज्जती। वो भी अपनी धुन में मस्त है। चलो जी दोनों पति पत्नी की बेइज्जती कर दी उन्हीं के बच्चे ने, सो इट डजंट मैटर नाउ क्योंकि बहुत प्यारी है। बोर हो रहा है मेरे बच्चों। ओ बच्चों हैं बोर हो रहा है। हाँ बोर हो रहा है, टीवी देख रहा, देख टीवी चल रहा है ना पे, मिस्टर बीस्ट की वीडियो चला रखी है, टीवी देख। हाँ छोली छोली, अच्छा ये छोली शो, अच्छा मम्मी पे गुस्सा आ रहा है आपको, मम्मी पे मेरे को भी गुस्सा नहीं आ रहा, इसको आप पे गुस्सा आ रहा है कि आपने एसी बंद कर दी। अच्छा एसी के लिए भाई रे बेटा, ए बाहर भी खाना बनाने के लिए बाहर तो बिल्कुल ऐसे तपा तो बड़ी मुश्किल से किचन से आई हूँ और अभी आते हैं बोले कि मेरे को ब्लॉग बनाना है, एसी बंद करो। एसी बंद करते भी है रूम ना बाहर से बहुत ज्यादा ठंडा है, पर अभी यहाँ भी मेरे को गर्मी लग रही है क्योंकि एसी बंद है और फैन भी बंद। बेटा एसी बंद बताए क्यों करा है, क्योंकि बिल आ गया आज 6000 रुपए का है, देख लो 6000 यहाँ का, 20000 वहां का, 26000 रुपए तो महीने का बिल है बेटा है, एक एसी का बिल है 6000 रुपए बेटा, क्या कह रहे हो, तभी तो मैं गोरा हो रहा हूँ। ये तो बढ़िया। क्या बना रहे हो खाने में? पुलाव बना रहा है, पुलाव और लस्सी, वाओ मजा आ जाएगा यार गर्मी में ना, रोटी बनाने में हालत खराब हो जाती है। और रोटी मैं तो यार मैं सही बताऊं, वो नवीन सही बोल रहा था, पूड़ी मैंने पूड़ी खाई, पर मैंने बताऊं खा भी तो ज्यादा ली थी, मैंने बताऊं कितनी खाई थी, मैंने चार खाई थी मैंने भाई, मैंने पूड़ी खा ली थी कम से कम सात पूड़ी खा ली थी मैंने, और सब्जी और खीर। उसके बाद में वो पची नहीं रही, वो एक होता ब्लोटिंग सी, तो मतलब इतनी गर्मी में यार ऑब्वियसली तेल में बनती हैं, फिर मेरे को चार में लूज मोशन इसको लूज मोशन लग गए। गर्मी थी ना यार, गर्मी घनी है यार, पूरी पूरी देखो खाने से कुछ नहीं होता,
गर्मी की वजह से हमें डाइजेस्ट नहीं होता भाई। यार ये लगा लो, ये भी बताऊं वहाँ पे जैसी मतलब वहाँ पे विंडो एसी है वहाँ पे मतलब, पर वो ना नीचे ही लग रहा है, अब नीचे लग रहा ना उसकी डायरेक्ट वो आती है, और भाई ये उसमें जाके चुप हुई नहीं तर होने लग गई थी वहां भी ऐसे हर कमरे में एसी ठीक है। हाँ बेटा सही कह रहा हूँ ना मैं, सही कह रहा हूँ ना मैं, है ना बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं, हैं कह रहे बोर मत कर सही तो है। मैं बोर कर रहा हूँ, बोर तो मैं तुम्हें भी करता हूँ। कल तो खर्चा आने वाला आपका। कल क्यों खर्चा आने वाला है, कल क्यों भाई? अच्छा बालों की रिबॉन्डिंग करवा रहे हो? गाइस फाइनली मेरे हस्बैंड मेरे बालों की रिबॉन्डिंग करवा रहे हो, कलर करवा ले, मेरे वाइट हेयर्स नहीं है मेरे हस्बैंड कलर करवा ले करवा रहे हैं okay. मैं क्या दोबारा बोल रही हूँ फिर से, मेरे वाइट हेयर्स नहीं है मेरे हस्बैंड की तरह मैं बस करवाना है उसके बाद ब्लैक वाला और बस कलर देखते हैं कैसे लुक आते हैं रिबॉन्डिंग की। तो किसी के बालों से उम्र बढ़ रही है और किसी के चेहरे से। और बताओ जी और क्या हाल चाल, सब बढ़िया? तो ना इन्हें पॉइंट मारना था मेरे को क्योंकि तुमने भी मारा मेरे को प्राउड फील, प्राउड क्या फील होना, मेरी किस्मत खराब है, मैं तो इसकी उम्र में 43 की दिख रही हूँ बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। तुमने मेरे पे ताना मारा ना? यस। अरे ये तो मैं, ए भगवान कितना समझाऊं तेरे को, कितना समझाऊं, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल ठीक है। देखना इंसान को चाकू मार दो और फिर उसको बुखार की दवाई दे दो हो जाएगा ठीक। ये क्या था, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना। इसका सेंस बना ना, समझ जिसमें दिमाग होता वही समझता। अच्छा तो तुम्हें बुरा लगता है जब मैं मजाक करता हूँ? सच बताओ दोस्तों, तुम्हें ना दिखेंगे, देखो यहाँ पे मेरे दो चार बाल तुम्हें दिख रहे हैं, दिख रहे हैं इसमें? नहीं दिख रहे। यहाँ पे जो सफेद नहीं दिख रहे, दो चार बाल सफेद है मेरे ठीक है। और इतना वो करेगी मतलब हर तरीके से, दिन ये सोएंगे ना मैं पूरा सर दिखाऊंगी इनका। ना ना दो चार ठीक है। चलो 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 वो छोड़ो, लेकिन उसके बदले में मैंने मजाक कर दिया तो तुम्हारा क्यों मुंह चढ़ गया है? मजाक सहने की हिम्मत नहीं है क्या तुम्हें? क्योंकि बालों से कोई बूढ़ा नहीं दिखता, बालों से बूढ़ा नहीं दिखता और बालों से एज नहीं, क्योंकि आजकल 10-10 साल के बच्चों के वाइट हेयर्स हो रहे हैं। तुम क्या हंस रहे हो, तुम हैं आपस में क्या बहस कर रहे हो तुम हैं? बेटा आपकी मम्मी ना ऐसी बुरा मान जाती है हर चीज का, ऐसी चीजें नहीं खा सकती हो, वेट लॉस वही है तो क्यों? अच्छा मैं मजाक कर देता हूँ तो क्या दिक्कत हो जाती है इसमें? मजाक करके तो हंसते गाते हुए रहना। इसीलिए खर्चा करवा रहे हो? गूगल पे कुछ सर्च कर रहा हूँ। यार ये सच में ये बहुत खर्चा करवा रही भाई। सही है भाई, मना भी नहीं कर सकता इससे मैं, पता है क्यों? क्योंकि मैं करवाती नहीं हूँ। नहीं हाँ ये भी बात है, करवाती नहीं हूँ वैसे खर्चा, पर मना भी नहीं कर सकता क्योंकि खुद कमाती है। चीज का मैंने कभी भी घमंड नहीं करा कि मैं कमाता हूँ ठीक है गाइस, मैं हाँ मैं कमाता हूँ, फिर भी मैं अपने हस्बैंड से पूछ के कि ये चीज ले लूँ ये चीज ले लूँ, तो इस चीज का फालतू का मेरे को नेगेटिव मत बनाओ ओके। हम तो ऐसे ही मनाएंगे जी, हम तो अनीश है, अनीश तो ऐसे ही करा है जी, और अनीश की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि अनीश प्यार करता है प्यार। क्यूटू और लटका था मेरे गाल। बेटा देखो आप जैसी खूबसूरत परी को लाई और उसके बाद में देखो कैसा आपने, आप इतने खूबसूरत, आपकी मम्मी इतनी खूबसूरत, आपके पापा तो हैं ही हैं बुरी शक्ल को। तो दोस्तों खाने में बन रहे हैं क्या, पुलाव प्लस लस्सी, मजा आ जाएगा खाने में। तो दोस्तों हमारे पुलाव बन चुके हैं जो कि मैंने बनाए, एकदम स्वादिष्ट मज़ेदार बढ़िया, और बकवास मेरी हो गई है। इस बकवास पे ये भी हंस रही है। पूछा ब्लर कैसा आ रहा है? हाँ भाग गया क्लियर। एनीवेज क्या कर रहा है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है बच्चा? हाँ निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय फॉर नाउ।